हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, कि आप कुछ सोच रहे हो, कि आप कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव के एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का, हर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं होता है, इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। अगर आपको ब्रेसलेट भी लेना है, आपको सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, आपके पार्टनर का हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करें, उनका नाम 3 टाइम दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, ठीक है। उनका स्माइली फेस इमेजिन करना है आपको, और एंड तक, रीडिंग की एंड तक सिर्फ हैप्पी हैप्पी ही सोचना है, जिससे कि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव निकल के आए, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं एक दूसरे के लिए, कि क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। गाइड करें, ट्रू मैसेज दें, एकदम रिलैक्स हो क्या। आज बहुत रिलैक्स है आपके पार्टनर, जैसे आपको रिलैक्स रहने के लिए बोल रही हूँ, आपके पार्टनर भी एकदम रिलैक्स। यस, हॉर्स बनाई यहाँ पे, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर करंट में अपनी ज़िंदगी में, और जैसे कि फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए भी, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए भी स्ट्रगल बहुत चल रहा है इनका। चांसेस स्ट्रांग है यहाँ पे इनकी, मतलब कि तबीयत भी डाउन है, तबीयत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऊपर से इनको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। यस, फाइनेंशियल आपके पार्टनर इतने भी बुरे नहीं हैं, या तो बेटर ही हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, पैनिक सिचुएशन है इनको, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, करंट में बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज को फील कर रहे हैं। जैसे ही मॉर्निंग में उठे, इनका जैसे सर बहुत भारी है और नेगेटिविटी इनकी तरफ बढ़ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, थर्ड पार्टीज कोई भी हो सकता है, यहाँ पे बिल्ली भी बनी है, ब्लैक बिल्ली, जो कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, बुरी नज़र और जैसे कि जलन, इन सारी बातों को शो करती है। किसी की हर वक्त हम पर नज़र रहती है और जो कि हमारे बारे में कभी अच्छा देख ही नहीं सकता, ऐसा कोई पर्सन है जो इनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर को एक दिल और दिमाग में ऐसा डाला जा रहा है कि जो भी तेरे ज़िंदगी में बुरा हो रहा है, हो सकता है कि ये होता है ना, हाँ, मतलब कि कोई चेक करने के लिए जाता है, किसी को पूछने के लिए जाता है, तो सामने वाला पर्सन बताता है कि किसी ने किया है, किसी की तुझे नज़र लगी है, किसी की किसी औरत ने तुझ पे किया है, किसी आदमी ने तुझ पे किया है, तो ऐसा कोई किसी ने इनको ऐसा बताया है। तो यहाँ पे जब ऐसा कोई बता रहा है इनको, डेफिनेटली इनके घर वाले इनको लेके मतलब किसी के पास 100% जा रहे हैं, जो कि अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। तो जब ऐसा इनको बताया जा रहा है, तो इनके घर वाले इनके दिमाग में ऐसी बातें डाल रहे हैं कि यहाँ पर आप, मतलब कि जो इसका एक्स था, जिसको इन्होंने छोड़ा है किसी के लिए, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, ऊपर से इनके घर वाले भी थर्ड पार्टीज़ है, तो परेशान बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर, क्योंकि इनको ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी गलत सलत हो रहा है तेरे साथ, जो भी तेरी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी आ रही है, वो सारी नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर आप लड़की हो तो बताया जा रहा है कि किसी लड़की ने, किसी औरत ने तुझ पे कुछ किया है, और अगर आप लड़का हो तो इनको बताया जा रहा है, मतलब अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो इनको बताया जा रहा है कि किसी आदमी ने तुझ पर किया है। तो जब ऐसा बोला जाता है तो इनको जैसे कि आपको लेके भड़काया जा रहा है, आपके खिलाफ जहर घोल घोल के इनको पागल किया जा रहा है, जो कि इनका दिल बिल्कुल भी नहीं मानता इन बातों को। पहली बात तो आपके पार्टनर ऐसी बातों पे भरोसा करते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है ना, रूड पर्सनालिटी है, इतना जल्दी पिघलने वाले पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पिघलाने की कोशिश हो रही है, इनको डराने की कोशिश हो रही है। और जो कि आप कैसे बुरे हो इनके लिए, अगर आपका प्यार सच्चा होता
तो आप कभी भी इनका इतना बुरा नहीं करते जितना आप करंट में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इतना नेगेटिव हो रहा है तो इनको ये सोचने को मतलब दिल नहीं करता यकीन करने का, लेकिन फिर भी इनको यकीन करने को मजबूर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब ना चाहते हुए पर्सन यकीन कर रहे हैं कि शायद सच में इनके ऊपर आपने कुछ किया है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके आपको लेके बढ़ रहे हैं, जो कि इनके घर वालों ने ये सब कुछ किया है। 100% कभी भी नहीं चाहेंगे इनके घर वाले आपको इनके साथ, कभी भी नहीं। और आप इसी वजह से परेशान हो। मतलब आपका क्या था पता है, अगर तुझे अच्छे से पता ही था कि तेरे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा इतना डिफरेंसेस, इतनी अनबन, जो कि इतने इश्यूज, मतलब ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, कास्ट डिफरेंसेस, धर्म अलग, सब कुछ अलग, अगर अच्छे से पता था और तुझे ये भी पता था कि तू घर वालों के अपोजिट जा ही नहीं सकता, तो आया ही क्यों मेरे पास और रिश्ता स्टार्ट ही क्यों किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि खुद होके इनको प्रपोज करने के लिए गए थे, तो यहाँ पे आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि काश आप ये गलती ना करते हो, जो कि आप इनको अपना इंटरेस्ट ना दिखाते तो आप जो कि अपने लिए अच्छे से स्टैंड ले पाते थे कि यहाँ पे ये पर्सन आपके पीछे आया था, इसने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। लेकिन यहाँ पे 100 में से 50% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद प्रपोज़ किया होगा, जो कि खुद ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया होगा, तो इस वजह से कि आपकी साइड कमज़ोर पड़ चुकी है इनके सामने। तो अगर आप जाते भी हो रोना रोने के लिए उनके सामने कुछ बोलने के लिए, तो आपको इतना मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। ऊपर से ये भी बोलते हैं कि मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कुछ हो नहीं सकता, तू मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत रख, मैं कभी तुझसे शादी नहीं कर सकता, मैं कभी तुझसे शादी नहीं कर सकता, ये तो मैंने तुझे पहले ही बताया था, तो अब क्यों तू इतना ये कर रही है। मतलब कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने स्टार्टिंग में झूठ बोला, और जैसे कि एक दो बार आपका मतलब फिजिकल होने के बाद फिर दो बार में आपको बता दिया कि मतलब शादी वादी नहीं हो सकती है यार, मुझे माफ़ कर दे। और हो सकता है कि कनेक्शन बढ़ाने के लिए उस टाइम पे मैंने तुझसे झूठ बोला होगा, लेकिन रियलिटी ये पॉसिबल है ही नहीं, मैं तुझे सच में बता रहा हूँ। हो सकता है मैं फिर भी तेरे लिए ट्राई करूँगा ऐसा बोला होगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि इन्होंने ट्राई किया है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपने घर वालों को बताया भी है। अगर मतलब कि अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है ना कि पहले आपके साथ फिजिकल हुआ हो लिया, पहले आपको प्रॉमिसेस किए शादी के, और जो कि 2-3 फिजिकल होने के बाद 2-3 बार उसके बाद अगर इन्होंने आपको मना कर दिया ना शादी को, तो यहाँ पे 100% चांसेस है कि इनकी इंटेंशन स्टार्टिंग से ही नहीं थे आपसे शादी करने के, और इनको बस आपके साथ मतलब सब कुछ करने का था। उसके बाद जो कि इन्होंने क्या किया, अपने घर वालों के ऊपर सर पे मार दिया कि मेरे घर वाले कभी मानेंगे नहीं, मैंने पूछा, लेकिन जो कि इन्होंने पूछा भी नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर ने पूछा होगा, लेकिन जो कि ये भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपके दिल की तसल्ली के लिए कि मैं पूछ रहा हूँ, ताकि आप इनके ऊपर ब्लेम ना करो, जो कि जानबूझकर आपके सामने दिखाया गया कि आप जानबूझकर आपके सामने दिखाया गया कि यस तो आपको लेके पूछ रहे, लेकिन इनके घर वाले मना कर रहे, जो कि पहले से ही प्लान था कि ये आपको मना करे। हाँ मैं आप जो बोलोगे वही करूँगा, बस आप एक बार उसको देख लीजिए, एक बार उससे मिल लीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे वो, इस तरह से ऐसा बोल के आए थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई ज़िद की थी इस तरह से, ठीक है। जो भी लोग आपके पार्टनर के घर वालों से मिले हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, और जो नहीं मिले हैं ना, आपके पार्टनर ने अभी तक घर में बताया ही नहीं है, और अगर उन्होंने बोला नहीं मैंने बताया है तो वो झूठ बोल रहा है। इनके इंटेंशंस में स्टार्टिंग से ही नहीं था, ऐसे नहीं तो वैसे आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऐसे इनको आपका अट्रैक्शन ट्रू है, और जो कि मैंने बोला ना ये पर्सन ऐसे है ना, इनको बहुत ज़्यादा अपना रिस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है। कुछ ना कुछ ऐसी वजह हो सकती है जिससे कि अगर ये आपको दुनिया के सामने स्वीकार करते हैं तो इनकी रिस्पेक्ट डाउन हो सकती है, इस वजह से ये पर्सन जो कि आपको अपना नहीं सकते, और जो कि आपको क्लियरली बताते भी नहीं है, बताना चाहते भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है अगर आपको क्लियर बता दे, क्लियरली आंसर कर दे, तो आप बहुत रोओगे, आप बहुत टूटोगे, तो ये आपका रोना भी नहीं देखना चाहते। आपको तोड़ते वक्त, आपको छोड़ते वक्त, थर्ड पार्टी के पीछे जाते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप कितने रोओगे, लेकिन ये अपनी ज़बान से क्लियरली आपको बताना कि मैं तुझे चाहता ही नहीं हूँ मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुझसे शादी ही नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मैं तुझसे ज़िंदगी भर ऐसा ही रिश्ता रखना चाहता हूँ। तो ईजीली कोई भी रेडी नहीं होने वाला है ऐसे रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर को ये अच्छे से पता है। इसी वजह से जो कि आपसे अभी करंट में कोल्ड बिहेवियर, बातचीत नहीं करना, नो कांटेक्ट में डाल देना, इस तरह की एनर्जीज कर रहे हो, जान बूझ के ईगो दिखा रहे हैं। अगर आप बातचीत कर भी रहे हो ना तो इतना अकड़ के बात कर रहे हैं जैसे कि इनका कुछ मतलब कुछ नहीं जा रहा है इनका आपके बिना, सिर्फ आप ही की जान जा रही है।
कि आपको इस तरह से दिखा रहे हैं, मतलब कि ज़रा सा आप कुछ बोल दोगे तो गुस्से में आपको ब्लॉक कर देंगे और ब्लॉक निकालेंगे ही नहीं जब तक कि आप सामने से इनको सॉरी ना बोलो, इनके सामने गिड़गिड़ाओ ना, आप इनको इनकी वैल्यू ना दिखाओ, तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे। ये आपको आपकी तरफ से हमेशा ऐसी एनर्जीज की उम्मीद रखते हैं, वो भी ये कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, सिर्फ आपको ही करे जाना है। इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर करंट में यही सारी बातें सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ इतना सारा मतलब कितना गलत बिहेवियर करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये चाहते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये चाहते कि आप इनसे प्यार ना करो, ये चाहते कि आप इनसे प्यार करो, टूट कर प्यार करो इनके लिए, जैसे कि हमेशा अवेलेबल रहो, जान देने के लिए रेडी रहो, लेकिन बस इनसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो, इनसे कोई कमिटमेंट मत मांगो। और जो कि अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में है तो कभी भी उस रोमांटिक थर्ड पार्टी का टॉपिक आपकी बातों में ना लो, आपके डिस्कशन में ना लो, और कभी भी ये ना बोलो कि थर्ड पार्टी को कब छोड़ोगे, उसको अपनी ज़िंदगी से कब निकाल कर फेंकोगे और कब मुझे पूरी तरह से अपनाओगे, ये कभी ना पूछो। ये आपसे इस तरह से रिश्ता चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ लोगों को ये फील होगा कि फिर ये कैसा प्यार है, तो कोई प्यार व्यार नहीं है। तो यहाँ पे मैं भी यही कह रही हूँ कि इनको प्यार नहीं है, इनको सिर्फ आपका अट्रैक्शन है और जो कि एंड तक आपके साथ रहना है। यस, केयरिंग कनेक्शन है, ये आपकी केयर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने आपको ये प्रॉमिस भी किया होगा कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका केयर करते हैं, आपको ज़िंदगी भर साथ देंगे, आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप जब चाहोगे तब ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, मतलब कि हेल्प के लिए। हो सकता है कि ये आपसे भी हेल्प लेते हैं, हो सकता है कि ये आपसे हेल्प लेते होंगे। 100 में से 20% लोगों के पार्टनर जो कि आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेते होंगे, लेकिन 80% लोगों के पार्टनर आपको हेल्प करते हैं, तो ये आपको हेल्प करने के लिए भी रेडी है एंड तक, मतलब आपकी एज 60 हो जाए, 80 हो जाए, मरते दम तक ये आपको हेल्प करेंगे, आपकी केयर करेंगे, बस आपको दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करेंगे। ये इस तरह की एनर्जीज में हैं और ऐसे ही रिश्ते के लिए आप इनके लिए मतलब रेडी नहीं हो, आप नहीं चाहते वैसा रिश्ता। आपको लगता है कि मेरा प्यार सच्चा है तो फिर मेरा हक है तुझ पर, और तुझे जो कि आना चाहिए उस थर्ड पार्टी को छोड़कर, वहाँ पे रखा ही क्या है अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड है। और अगर तू उस थर्ड पार्टी के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, अगर तू खुशी से रह नहीं सकता मैरिड लाइफ में, तो फिर क्यों उसके साथ चिपका हुआ है, छोड़ दे उसे। और यहाँ पे 100% इनके बच्चे हैं, 100%, एक नहीं दो या तीन भी हो सकते हैं। तो ये बच्चों की वजह से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चों की वजह से इनको बहुत प्यार आ रहा है वहाँ पे, नहीं, लेकिन इनको लगता है कि उनका करियर, उनकी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो जाएगी तो दुनिया इनको क्या बोलेगी। इनको दुनिया की फिक्र बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो कि वो अपना मतलब रेपुटेशन भी डाउन नहीं होना है, बच्चों का करियर भी ख़राब नहीं होना है, और जो कि थर्ड पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या हुआ, मतलब कि अगर आप रेडी हो तो आप सही, अगर आप नहीं तो कोई और सही, इस तरह के पर्सन है। ठीक है, ये अपना काम बाहर निकलवाते रहेंगे थर्ड पार्टी से अगर ये खुश नहीं है तो, और जो कि अगर आप रेडी हो तो आपके पास भी आएंगे। अब इस पर्सन की सोच ऐसी ही है, ये आपको भी पता है, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत इमोशंस है लेकिन दिखाना नहीं है, रोना आता है लेकिन सामने रोना नहीं है, दिल में आपके लिए जितनी फीलिंग्स है वो आपको बतानी नहीं है, और ये इसीलिए नहीं बतानी है क्योंकि ये कभी भी आपके सामने सरेंडर करना ही नहीं चाहते, ये कभी भी आपके सामने झुकना नहीं चाहते, और कभी भी आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि इनको आपकी कितनी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मतलब ना, इतना प्रैक्टिकल पर्सन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब होता है ना, अगर किसी इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो, किसी चीज़ की अगर ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसको जैसे ऐसे निकाल कर हम फेंक देते हैं, वही किया आपके पार्टनर ने आपके साथ, वही बात है इनके माइंड में करंट में चल रही है, और जो कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपनी खुद की सोच के ऊपर कि कैसे वो किसी के प्यार के साथ, किसी के इमोशंस के साथ ऐसा खेल सकते हैं, और क्यों भगवान ने इनको ऐसा बनाया है, मतलब इनको उसमें कुछ बुरा भी नहीं लगता है तो ऐसा क्यों ये करंट में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, हेडेक बहुत ज़्यादा है, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और जो कि इनको ये भी पता है, इनका भले इनको ऐसी बातों पे भरोसा नहीं हो लेकिन इनको इस बात पे भरोसा है कि अगर हम गलत करते हैं कुछ, जो कि इनके घर वाले रीति रिवाज ट्रेडिशनल और बचपन से जो कि ऐसी बातें इनके दिमाग में डालना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि तुझ पर किसी ने कुछ किया है एंड ऑल, तो जो कि ये भी है इनको पता कि अगर हम कुछ गलत करते हैं, बुरे कर्म, तो हमें इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। इनका ऐसे अगले जन्म पिछले जन्म पे भरोसा तो नहीं है, लेकिन इनका इस जन्म में किए हुए गलत कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना है, इसके ऊपर कंप्लीट भरोसा है। तो इनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि मतलब एंड ऑफ द लाइफ, मतलब कि जैसे कि इनका आगे की उम्र चला जाता है, मरने के टाइम आ जाता है 4-5-6 साल मरने से पहले, वो बहुत बुरे जाने वाले हैं, इनको ऐसा लिटरली दिल से फील होता है, और जो कि डरते हैं।
इन्होंने देखा है किसी के साथ ऐसा होते हुए, तो ये इनको नहीं चाहिए अपने साथ। इस वजह से जो कि आपको केयर दिखाना चाहते हैं, लेकिन यस आपको अपनाने से मतलब इनको पता है कि गलत हुआ है आपके साथ, लेकिन फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है, इस तरह से मानने लगते हैं फिर। ठीक है, आपके पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि एरी लियो सजिटेरियस मेषिंग धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 2, 3, 12, 22, 28, 26, 14, 7, 17, 27, 9, 1, 1, 1, 3, 3, 3 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। और यस यहाँ पे एम बना है LBIKTSZQVYSBA। यस ये कुछ इनिशियल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और जितनी भी पर्सनल रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही कि नहीं हो रही है। और वीडियो को आपको हमेशा स्टार्टिंग में लाइक कर देना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि वही एक ज़रिया है आपका यहाँ पे कनेक्ट होने का। ओके, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।